नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। अवध में राम आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। अयोध्या उल्लासित है। अयोध्या ही नहीं, पूरा देश इस समय उल्लास में है, उत्साहित है। लोक मंगलगान हो रहा है, हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई पड़ रही है। हमारे साथ आज दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, बबीता जी और आप पीके गौर जी। आप लोग अवध में जब भी राम के आने का जिक्र होता है तो अवधि में भी कई ढेर सारे बहुत संपदा है संगीत का। हम इनसे सुनेंगे कि अवधि में राम के आने का इंतज़ार या जो पूर्ण हो रहा है उसको किस तरह से व्यक्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या सुना रही हैं हमारे दर्शकों को आप? हम सबसे पहले आपको सोहर सुनाएंगे जी। हाँ, जब राम जी जन्म होता है राम जी का, तो हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है, तो हम सबसे पहले सोहर आपको सुनाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। धनी धनी चैत के महीनवा, धनी धनी चैत के महीनवा की सुघर समैया हो, रामा प्रगट भए रघुरैया परम सुख दैया हो, रामा प्रगट भए रघुरैया परम सुख दैया द्वारे पे बाजे बधैया, द्वारे पे बाजे बधैया महल बीच सोहर हो, रामा सोवत रानी के गोद वललनवा सुंदर हो, रामा सोवत रानी के गोद वललनवा सुंदर हो। धनी धनी चैत के महीनवा की सुघर समैया हो, रामा प्रगट भई रघुरैया परम सुख दैया हो। ये तो रहा सोहर जी। अब हम आपको सुनाते हैं चैता जी। चैता होता है चैत के महीने में गाया जाता है, और चैत के महीने में ही प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो हम आपको चैता सुनाते हैं, कैसे चारों भाई सरयू के पानी के पास, जल के पास कैसे खेल रहे हैं जी। है ना। चारों भैया खेलल नवरिया हो, रामा सरयू के पनिया, चारों भैया खेलल नवरिया हो, रामा सरजू के पनिया, सरजू के पनिया हो, सरजू के पनिया हो, सरजू के पनिया, चारों भैया खेलल नवरिया हो, रामा सरजू के पनिया, भरत लखन मिली डांडा चलावे, भरत लखन मिली डांडा चलावे, अरे राम के हाथ पतवरिया हो, रामा सरजू के पनिया, राम के हाथ पतवरिया हो, रामा सरजू के पनिया, चारों भैया खेलल नवरिया हो, रामा सरजू के पनिया। कोई ऐसा गीत आपके पास है अवधि में कि जिसमें सीता जी का भी जिक्र हो, सीता जी की महिमा और राम और सीता का जिक्र हो, अगर आप सुनाना चाहें, या कुछ और अगर आप अपनी तरफ से जोड़ना चाहें, कुछ और नया सुनाना चाहें तो? तो हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं, जब राम जी धनुष के लिए, मतलब उनको बोला जाता है कि तोड़ने के लिए, विश्वामित्र जी उनको देते हैं आज्ञा कि अब आप तोड़िए, तो सब लोग सोचते हैं कि ये क्या तोड़ेंगे, इनमें तो उतना दम ही नहीं है। तो उसी पे लोग पूछते हैं, पूछे पूछे जनक जी के ढेरिया, अब ढेरिया मतलब उनकी लड़की ही पूछ रही है, पूछे जनक जी के ढेरिया राम कैसे तोड़ी है धनुहिया, पूछे जनक जी के ढेरिया राम कैसे तोड़ी है धनुहिया, अब ही तो राम जी के बाली उमरिया, अब ही तो राम जी
जई हैं, मुड़ जई हैं उनके कलैया, राम कैसे तोड़ी हैं धनुइया। मुड़ जई हैं उनके कलैया, राम कैसे तोड़ी हैं धनुइया। अब ही तो राम जी की पतली कलैया, अब ही तो राम जी की पतली कलैया। मुड़ जई हैं उनके उंगुरिया, मुड़ जई हैं उनके उंगुरिया, राम कैसे तोड़ी हैं धनुइया। तो ये तो रहा स्वयंवर का गाना जी। अब हम आपको ले चलते हैं अवध नगरी, मतलब अयोध्या नगरी, जहाँ पे वहाँ पे कैसे सजावट हुई है। हनुमानगढ़ी भी सजा है, कनक भवन भी सजा है, सब कुछ सजा है, लेकिन कैसे सजा है। ये कब का प्रसंग है? ये अभी का, ये अभी का है। अच्छा। मतलब ये जो सजावट हो रही है, इतने दिनों से जो चल रहा है सिलसिला, उस पर है। आवा चला चली, ओ आवा चला चली अवध नगरिया मा, 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 आवा चला चली अवध नगरिया मा। जहाँ पे बाटे, जहाँ पे बाटे राम के उत्सव, अरे हो, जहाँ पे बाटे राम के उत्सव, आवा देखी। आवा चला चली अवध नगरिया मा, सीता जी के रसोई सज गए, सीता जी के रसोई सज गए और सजे हनुमानगढ़ी, सीता जी के रसोई सज गए और सजे हनुमानगढ़ी। कनक भवन भी ऐसा सज गए, कनक भवन भी ऐसा सज गए, जैसे लागे दिवाली, जैसे लागे दिवाली। आवा चला चली अवध नगरिया मा, आवा चला चली अवध नगरिया। अरे नए घाट की शोभा देखो, राम की पैड़ी साजे, नए घाट की शोभा देखो, राम की पैड़ी साजे। जन्मभूमि की महिमा देखे, जन्मभूमि की महिमा देखे, आवे दुनिया सारी, आवे दुनिया सारी। आवा चला चली अवध नगरिया मा, आवा चला चली अवध नगरिया मा, हो आवा चला चली अवध नगरिया मा। कोई एक दूसरे को बुलाता हुआ चल रहा है, आवा चला चली अवध नगरिया मा, सब कुछ सज गया है, सारी सड़कें चेंज हो गई, सारी गलियां चेंज हो गई, मतलब जो रहने वाला वहां का है वो भी अपना घर नहीं पहचान पा रहा है, आज ये आलम हो गया। तो अब हम आपको दिखाते हैं, मतलब हम आपको सुनाते हैं कि राम जी आ रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं। ये सब तो तैयारियां थी, खूबसूरती थी। अब ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, हम लोग के द्वारा ही लिखा गया है। इसी माहौल में हम लोगों ने सोचा कि चलो लिखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बोलो, हाँ कि ये हुआ, चलो लिखते हैं गाना और इसको ट्यून व्यून बना के हम लोग अभी गा ही रहे थे, अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन फिर भी गाते हैं, आपको सुनाते हैं। शंख बाजे घंटा बाजे, शंख बाजे घंटा बाजे और बाजे करताल, और बाजे करताल। प्रभु राम अयोध्या आए, प्रभु राम अयोध्या आए, होवे जय जयकार। बोलो रे राम सिया, बोलो रे राम सिया, बोलो रे राम सिया, बोलो रे राम सिया। सड़के भी सज गए, गलियां भी सज गए, ओह सड़के भी सज गए, गलियां भी सज गए, सज गए ओह सज गए मंदिर द्वार, सज गए मंदिर द्वार। श्री रघुनाथ अयोध्या आए, श्री रघुनाथ अयोध्या,
खुशियाँ बरसे अपार बोलो सिया राम सिया, बोलो सिया राम सिया, बोलो सिया राम सिया, बोलो सिया राम सिया। ओहो हनुमत जी आए गणपत जी आए, हनुमत जी आए गए गणपत जी आए गए, हनुमत जी आए गए गणपति जी आए गए, आए गए शिव परिवार, अरे आए गए शिव परिवार। राम लला देखो आई गए हैं, राम लला देखो आई गए हैं, राम की शक्ति अपार बोलो रे राम सिया, बोलो रे राम सिया, बोलो रे राम सिया, वेद भी गाएंगे पुराण भी गाएंगे, वेद भी गाएंगे पुराण भी गाएंगे, सब गाए सब संसार, अरे गाए सब संसार। जनमन के प्रभु राम आए गए, जनमन के प्रभु राम आए गए, बरसे अमृत अपार, बरसे अमृत अपार, बोलो रे राम सिया, बोलो रे राम सिया, बोलो रे राम सिया, बोलो रे राम सिया। अयोध्या धाम चलो, चलो रे राम सिया। आपने बहुत ही जो श्रृंखला आपने कई गीत सुनाए अवधि के, इसमें से आपके कितने थे, मतलब और कुछ लोक में रहे होंगे वो भी रहे होंगे? हाँ, दो तीन तो हम लोगों ने बनाए थे, और चैता जो है वो पारंपरिक है, चला आ रहा है हमारे पास से, सदियों से चला आ रहा है, हम लोग गाते हैं, हमारी मम्मी दादी लोग गाती थी ये गाना, वो गाया मैंने। और सोहर तो आप जानते ही हैं कितना पुराना चला आ रहा है, जब भी घर में कोई बच्चे होते हैं तो लोग गाते ही हैं। तो समझिए कि दो गाने हम लोग के अपने थे और तीन गाने। लेकिन आपने बहुत सुंदर सुनाया। अवध में बिल्कुल यही उत्साह, यही माहौल, खासकर अयोध्या की अगर हम बात करें तो पूरी गलियां और इस पूरे इलाके, इस पूरा परिसर जो है अयोध्या का, वो इस समय राम नाम की धुन और राम नाम की रट में हर कोई मस्त है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसका इंतजार हिंदू धर्म और राम में विश्वास रखने वाले लोग पिछले कई सौ वर्षों से कर रहे थे, अब उनका इंतजार समाप्त हो रहा है। आप बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।